प्रभु आज अपने 72 शिष्यों को प्रभु के वचनों का प्रचार करने के लिए दो दो करके भेजते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से लेकर 12 तक। आज प्रभु अपने शिष्यों को भेजते हैं, प्रभु उन्हें दो दो कर भेजते हैं और प्रभु उनसे कहते हैं कि फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे, क्योंकि मजदूर बहुत कम है। प्रभु के वचनों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बहुत कम लोग हैं, लेकिन प्रभु आज कहते हैं कि मजदूरों को भेजो, फसल के स्वामी से विनती करो। हमें आज प्रभु के वचनों का प्रचार करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु आज अपने शिष्यों को कहते हैं, जाओ मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। भेड़िये बहुत ही खूंखार जानवर माने जाते हैं और भेड़े बहुत ही नम्र रहती है, बहुत ही मासूम रहती है, फिर भी प्रभु हमें भेजते हैं। ताकतवर के सामने निर्बल होकर जाना और प्रभु के वचनों का प्रचार करना, क्योंकि जब तक प्रभु हमारे साथ है तब तक हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु आगे अपने शिष्यों को कहते हैं, तुम न थैली न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। प्रभु यहाँ कहते हैं कि किसी भी चीज से अपना नाता तोड़ लो, न अपने घर को, न अपने किसी रिश्तेदार को, लेकिन प्रभु आज यही कहते हैं कि अपने साथ जब प्रभु के वचनों का प्रचार करने जाओ तो कुछ भी मत लेकर जाओ, ताकि तुम्हारा ध्यान न भटके। अगर तुम्हारे झोली में रुपए पैसे होंगे तो तुम्हारा ध्यान हमेशा उसी में होगा, इसीलिए प्रभु कहते हैं कि कुछ भी मत लेकर जाओ। और प्रभु का आगे कहते हैं कि नमस्कार भी मत करो, क्योंकि प्रभु ने जो हमें दिया है, उद्देश्य दिया है, जो उपदेश दिया है, उसमें प्रभु यही कह रहे हैं कि जो हमारा लक्ष्य है प्रभु के वचनों का प्रचार करना, सबसे पहले उसको पूरा करो, नहीं तो हम अन्य तरह की बातों में उलझ के रह जाते हैं। आगे प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। आज प्रभु के शिष्य जहां भी जाते हैं, जिस जमीन पर खड़े होते हैं, उस जगह में प्रभु की शांति रहती है, प्रभु की कृपा रहती है, प्रभु का अनुग्रह रहता है। प्रभु आगे हमसे कहते हैं कि यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो वह उस पर तुम्हारी शांति ठहर जाएगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। इसलिए प्रभु हमसे यही कहते हैं कि निरंतर हमें प्रार्थना करते हुए प्रभु के वचनों का प्रचार करते रहना है। आगे प्रभु हमसे कहते हैं, जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो, जो ही तुम्हें परोसा जाए, जो कुछ भी तुम्हें दिया जाए, प्रभु के वचनों के प्रचार के लिए कुछ भी दिया जाए तो तुम्हें उसे ग्रहण करके प्रभु के वचनों का प्रचार और अधिक उत्सुकता से करते रहना है। आज प्रभु हमसे यही कहते हैं कि हमें प्रभु का वचनों का प्रचार करना है। अगर हम शहर से कुछ चीजें लेकर जाते हैं और लोगों में बांट देते हैं, सब लोग से लेकर अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं, लेकिन कोई भी प्रभु का वचन नहीं सुनता है। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि कुछ भी मत लेकर जाओ, क्योंकि जब लोग देखते हैं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना धन है ना दौलत है, जब लोग हमें देखते हैं तो
प्रभु वे लोग हमें यही समझते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है। लोग उस समय हमारा स्वागत करते हैं एक गरीब एक निर्दयी व्यक्ति का लोग स्वागत करते हैं। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को यही कहते हैं कुछ मत लेकर जाओ, क्योंकि जिस गांव में प्रवेश करते हो उस गांव में अगर कोई देखेगा तुम्हें उसके घर में ठहरो, उससे बातों करो, प्रभु के वचनों का सुसमाचार सुनाओ। प्रभु आज हमसे कहते हैं न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। जब कभी भी हमें ठुकराया जाता है, हमें कई प्रकार की प्रताड़नाएं झेलनी होती है या झेलनी पड़ती है, तो उस समय हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि प्रभु ही उन सबका हिसाब और उन सबका लेखा जोखा रखता है। आइए कि इसमें प्रिय भाई और बहनों आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर हमारे साथ रहे। जिस तरह से हम प्रभु के वचनों का प्रचार करने के लिए, प्रभु के वचनों का संदेश सुनाने के लिए हम कई तरह से प्रयास कर रहे हैं, कई लोग अपने सोशल मीडियाज के द्वारा, कई लोग अपनी बातों के द्वारा, अपने घर के द्वारा प्रभु के वचनों का प्रचार कर रहे हैं। हम भी एक प्रभु का माध्यम बने, प्रभु का साधन बने, ताकि हम प्रभु के वचनों का प्रचार कर सकें। आइए आज हम उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने प्रार्थना की मदद मांगी है, जो लोग हमारे इन सभी कार्यक्रम को देखते हैं और विशेष रूप से नीचे दिए गए नंबरों पर प्रार्थना के लिए भी अपनी सिफारिश भेज सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। आमीन।